Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. Hello everyone, this is Abhishek again. और कल के दिन हम लोगों ने ये work review किया था और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आपको shading के बारे में नहीं बताया था. Lighting wise ये अच्छा है और कुछ आपको alignment बताए थे आपको, और अगर आपने नहीं देखा तो कल का episode जाके ज़रूर देखिए. और यहाँ पे ये जो work है यहाँ पे देख लेते हैं, ये खासी अच्छी लग रही है मुझे. लाइट का अच्छा आपने दिया है, रिफ्लेक्शन भी अच्छा दिया है, और रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन आएंगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़े से ब्राइट कलर्स जो है ना, इनफैक्ट वो ब्लैक है तो भी रिफ्लेक्शन हर जगह दिखते हैं. तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेंसिटी कम कर दीजिए, थोड़ा हल्का ब्लूइश में होगा, थोड़ा ब्लू में ज़्यादा है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है. ये मुझे ऐसे मैंने देखा है और मैंने पर्सनली फील भी किया है, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर में कुछ टाइम के लिए था तो वहाँ पे इस तरह के कुछ जो थे वो दिए जाते. तो यहाँ पे अभी देखो ना, एक हल्का सा मैंने सिर्फ हल्का सा एक रिफ्लेक्शन दिया यहाँ पे, वो अच्छी लगने लगी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. और आप कुछ इस तरीके से हल्के हल्के जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसे डाल सकते हैं. और लाइट अब इसमें देखो, अब मैं आपको मेन फीचर बताऊँगा. ये जो देख रहे हो ना आप, ये और ये साइज़ में ये बड़ा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, जबकि कैमरे के सामने जो होता है ना वो बड़ा होता है. आपने पर्सपेक्टिव में दिखाया है, ये जो दिखाया है ये भी टायर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होगा. अगर आपने ये दिखाया है इतना बड़ा तो इतना बड़ा होगा, तो इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये पर्सपेक्टिव ठीक है और ये जा रहा है. तो ये जो नॉर्मल जो आपने इतना साइज़ रखा था, आपने जो इतना साइज़ रखा था आपका साइज़ कुछ यहाँ तक होगा. तो ये ऐसे पर्सपेक्टिव देखते हैं, इसके अलावा ये जो भी है ऐसे पर्सपेक्टिव रहता है ये. तो अभी क्या है इसमें, एक पॉइंट आपको ये बताता हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में बता दिया. अभी जो है मेन मोटो मेरा क्या था बताने के लिए, कैमरे के सामने जो होता है ना उसका साइज़ जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जैसे ही वो कैमरे के अनदर साइड जाता है तो वो ये हो गया टू पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे दिख रहे हो, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा. तो ये जिसका साइज़ यहाँ होगा, बल्ब वगैरह जो है आपको यहाँ पे देना है ऐसे, और बाकी जो भी है ना ये इंजन वगैरह के आगे जो होते हैं ये सब कुछ ऐसे देना, ये सब पर्सपेक्टिव में जाना चाहिए. इनफैक्ट ये जो भी है ना ये भी थोड़ा ऐसे छोटा होगा, ये वाला, ये सब भी जो जाते हैं ना, तो ये पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें जानी चाहिए. बाकी आपका जो एफर्ट है अच्छा है और ये स्ट्रेट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये कुछ थोड़ा राउंड में दिखेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको जो एंगल जो था कुछ ऐसे था वो स्ट्रेट में होना चाहिए. तो ये हो गया. अभी देखते हैं आवेश फैजल, ये आपने बनाया है, थैंक्स फॉर योर कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स, आई एम योर सब्सक्राइबर एंड एनरोल 1 ईयर हॉबी कोर्स, 3 डेज़ का प्रैक्टिस उन्होंने भेजा है. और ये कोर्स कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव कोर्स का मतलब क्या हो गया, मैंने कुछ कोर्स लॉन्च किए यहाँ पे, जैसे देख रहे हो 9999 की पहले कोस्ट हुआ करते थे, अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे 499 का कोर्स है यहाँ पे, ये आप ले सकते हो. और ये जो कि 1 ईयर का कोर्स है और आपको स्टार्ट टू एंड आपको पूरे के पूरे दिए जाएंगे, सारे वीडियोज़ जो आप बना सकते हैं इन्होंने बनाया है. और यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो आपके जो लाइंस जो है ना, और सब पहले तो आपको बताते बहुत खुशी हुई मुझे आपको कि आपने एक रिव्यू जो है वो यहाँ पे डाला, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितने लोगों ने भी ये प्लान लिए वो अपने वर्क ज़रूर शेयर कीजिए. अभी जो आपका है ना वो थोड़ा सा ना ये कर्व में जाता है, और ये ऑब्वियसली ये जाता ही है. तो देखो 3 आपको मैं स्टेप बताऊँगा मैं जो आपको करेक्ट हो जाएगा. जितने लोग देख रहे हैं, बिगनर्स देख रहे हैं ना, उनके लिए भी है, अगर आपने प्लान लिया है या नहीं लिया फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. तो देखो, एक तो आपको अगर आपने डायरेक्ट किया अगर ऐसे नहीं हुआ तो पहला हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट लो और एक दूसरा पॉइंट लो. यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट लेके जाना है, ये जो है स्ट्रेट लेके जाना है. अगर ये भी नहीं होता है फिर भी ऐसे जाता है तो आप क्या करोगे, तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि कोई भी आपके पास स्केल हो या कोई सीधी कोई भी एक स्ट्रेट हो तो यहाँ पे आप उसको एक ले सकते हैं लाइन. आपने पहला जो लाइन ले लिया परफेक्ट ले लिया, अब आप ट्राई कीजिए, ये जो है आपने पहला लाइन ले लिया, अब इसके ऊपर आप कोशिश कीजिए इसको रिपीट करने के लिए, और ये फुल लेंथ लेना, छोटा नहीं लेना.
आपको फुल लेंथ बड़े साइज का लेना है जिससे कि हार्ट का जो आपका फ्लो है वो सही होगा। तो ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। और ये जो है आपको यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आपको ले लेना है। अब इसके ऊपर आप ट्राई कीजिए। अब ये ऐसे भी लेके जाना है और नीचे भी से भी लेके आना है। तो ये दोनों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। फिर स्लांट का है, ये सब जो है ना ये आपको करने हैं। फिर स्लांट जैसे देख रहे हो ना, ये सब के सब प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे ये सब जो है, ये यहाँ पे भी अभी आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं कुछ लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो देख रहे हो ना आप, एक तो पहले तो अब ये एंगल होगा। अब यहाँ से आपको लेना है ये, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने ट्रायंगल शेप्स है ना, पहले इनिशियल डेज में शेप्स में बताता हूँ। तो शेप्स में आपको देख रहा हूँ ये मैंने बना लिया ये कुछ। अब ये जो लाइन जाएगी, अब इसको जो एंगल आपने यहाँ पे स्लांट दिया ना, अब ये स्लांट यहाँ पे भी देना है। और इसको आप ऐसे मिला दो, ये करो और ये हो गया। ये जो आपने किया था कुछ इस तरीके से, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना है। जबकि मैंने कोर्स में बताया था आपको कि ये जो चीज़ है ना, ये स्लांट होगी और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे भी स्लांट होगी। हट का साइज एक्चुअली ऐसे ही होता है, ये कुछ ऐसे। अभी मैंने पर्सपेक्टिव ऐड नहीं किया इसमें, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगा मुझे। और हर्षद मिस्त्री का वर्क देख लेते हैं यहाँ पे, क्या बात है, वेरी गुड। अब ये क्या होता है, अभी आप पर्सपेक्टिव है इसमें भी, अभी गर्ल का साइज़ जो है बड़ा है, इसका छोटा क्यों है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जो गर्ल हैं उन्होंने अपने हाथ से सेल्फी लिया, जिससे कैमरे के नज़दीक होने के कारण उनका जो फेस है वो बड़ा दिख रहा है और इनका जो बॉय है इनका छोटा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलाइनमेंट की बात करूँगा, मैं थोड़ा एंगल आ चुका है इसमें, तो इसको एंगल आने की वजह से थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से लेते हैं। अगर आप इस तरीके से अगर आप आई को लेते हो ना, तो ये जो है आपका आई छोटा दिख रहा है मुझे, कंपेयर टू जो नॉर्मल जो साइज़ होता है ना उससे थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये साइज़ एटलीस्ट ये फेस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, और ये भी थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बड़ा होना चाहिए। और ये हो गया डिफरेंस। और इसके अलावा शेडिंग जो है, शेडिंग जो बॉय की शेडिंग है वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी आपको लाइट के अकॉर्डिंग जो शेडो है ना वो कुछ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसको मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, ये जो देखो इसको आपको थोड़ा सा करना है शेडो रीजन में, अगर लाइट का डायरेक्शन आपने कोई फिक्स किया है तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी बॉय का फेस मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड। और प्रज्ञा जी का वापस से वर्क देख लेते हैं यहाँ पे, एनाटॉमी अच्छी है, वेरी गुड। और थोड़ा ना आप जो एजेस है ना उसको आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे होगा, देखो आप इरेजर है इरेज कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पे। और मैं कैसे करूँगा, मेरा तो एक टेक्निक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपका जो वो जो आउटलाइन है वो मैं करने वाला हूँ इरेज। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये अभी जो कितना क्लीन दिख रहा है, वो क्लीनलीनेस जो है वो हमें दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो जो आपने बनाया है इसको, ये सब जो है ना इसको भी शार्प बनाना है, ये सब जो है ये जब तक शार्प नहीं रहेंगे तब तक मज़ा उतना नहीं आएगा। आउटलाइन भी थोड़ा डार्क कीजिए और उसको कर दीजिए ब्लेंड। साइज़ वगैरह एनाटॉमी के हिसाब से सब सही है। आप थोड़ा सा वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा लगता है कि इसमें कुछ कर सकते हैं तो इसमें आपको लेना पड़ेगा वाइट ले लिया, इंटेंसिटी थोड़ी करनी पड़ेगी कम। अब आप इसको हल्के से यहाँ पे हेयर पे ऐसे दिखा सकते हो, जैसे जैसे आपने हल्का सा बाहर की तरफ बिखरे हुए नेचुरल हेयर दिखाया ना, तो ये कुछ आप इसको इनसाइड भी दिखा सकते हैं ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड, यहाँ पे एक और देख लेते हैं वर्क, ये अच्छा है, आपकी स्केचिंग अच्छी है। इसमें थोड़ा ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा
एनाटॉमी में, एनाटॉमी के जो होता है ना, हाथ दिख रहे ना, और थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, रीज़न क्या है? नॉर्मल एक इंसान का जो पाम होता है ना, वही एक हेड का साइज़ होता है, फेस का साइज़ होता है। तो ये अगर देखोगे तो इतना बड़ा हमारा हैंड जो होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, ये इतनी बड़े साइज़ का होता है, और ये इतना छोटा है। तो ये थोड़ा बेंड भी हुआ है, तो इतना बड़ा एटलीस्ट होना चाहिए। एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी शेडिंग के बारे में। और ये जो हेयर जो आया है ना, हेयर आपने, चलो ये अच्छा निकाला। अब ये यहाँ पे ना, फिर थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि हेड का विड्थ भी होता है ना, तो ये कुछ आपको ये सब जो है वो हेयर में जाएगा, इतना इतना आपको इसमें ऐड करना है। आपको डिफरेंस पता चल रहा है अभी? तो ये कुछ आप जो है यहाँ तक हेयर पे जाएगा। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, जैसे शेडिंग का पार्ट है, नोज़ में थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कुछ शेडिंग का पार्ट, जैसे अगर मैं इसको ही ले लूँ, तो ये एक शेडो रीजन में अगर आता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ये। और इसके अलावा आप अगर जितना रियलिस्टिक वर्क करना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें शेडोज़ वगैरह ऐड होने चाहिए हैंड के कारण, कॉन्टैक्ट है, तो ये सब जो है आपको ऐड करना चाहिए। अगर आपने ब्राइट कुछ इस तरीके से दिया है, हेयर का जो शेडो है वो सब भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मुझे आपका वर्क अच्छा लगा, स्किल अच्छा है, थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। और शिव कुमार गुडेश्वर, वाह फेस लग रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा ना, लेकिन फ्लैट क्या हो गया, लाइटिंग वगैरह इसमें नहीं है, लाइट ऐड कर सकते हैं। और लाइट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा वाइट, ये लिया, इंटेंसिटी कर दीजिए कम। और अभी यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन होते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा लाइट हिट करती है, ये कुछ इस तरीके से नोज़ का ये पोर्शन है, फिर हेड का ये जो पोर्शंस है ना, ये ओवरऑल बहुत मोटा हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो फेस है ओवरऑल जो है, इसको ये यहाँ तक ही होना चाहिए, ये यहाँ तक। और इसके बाद से ईयर्स जो है ना, आप यहाँ से दे सकते हैं, तो ये कुछ यहाँ तक ही होना चाहिए, यहाँ तक दीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा है जो है आपने बनाया है अपनी तरफ से जो दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कम, यहाँ से। अब ये हो जाने से क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये मैं निकाल दूंगा इसको यहाँ से, तो ये अभी आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे करना है, बाकी फीचर्स आपके अच्छे हैं, गुड। और यहाँ पे जयंत का देख लेते हैं स्केच, कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, और लेकिन इतना ज़्यादा भी वाइट नहीं होगा इसमें, थोड़ा ना आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जब डार्क है ना क्लॉथ, यानी कि थोड़ा अपना भी उसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा डार्क है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवरऑल जो है ना एक डार्क लेके जो इसको ब्लेंड कर दीजिए आप। सबसे अच्छा ये रहेगा ना कि टिश्यू पेपर या जो भी आप ले रहे हो ना, तो उसको आप थोड़ा सा इसको आप इसमें डार्क कर सकते हो, ये आपको एक फेड कर देना है इसको, ओवरऑल जो है ना इसके जो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा जो है ना, इसको ऐसे आप कम कर सकते हो। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जो मैं एक साथ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी बहुत कम ली है, अभी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, अब पता चल रहा होगा। ये जो देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैंने कम किया, और फॉल ऑफ भी है वो भी थोड़ा कम किया मैंने, ये कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा और नेचुरल दिखेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में ये चला जाएगा। और यहाँ पे सागर घी डोरे,
सागर की डोरे का भी वर्क देख लेते हैं आपने। आई का डिटेल तो बहुत अच्छा किया आपने। और ये जो आपने दिया है ना, एक तो एक सर्कल होना चाहिए। सर्कल मैं कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिया येलो, इंटेंसिटी कितनी है फुल। अब देखो, अब एक सर्कल जो आपने लिया है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे है, ये इतना होना चाहिए। और ये लेने के बाद आप चाहे तो किसी चीज़ का एक, क्योंकि परफेक्ट होनी चाहिए ना, तो आप किसी चीज़ का आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया। अब आई का साइज़ जो है, अब आपसे गलतियाँ नहीं होंगी मुझे ऐसे लगता है, होपफुली। और यहाँ पे मैंने ले लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि दोनों में कितना डिफरेंस हो गया आई बॉल का। आप जो आप लोगे, आप मुझे लगता है कि अब सही होगा, कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत है मुझे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा डिटेल जो है ना, डिटेल में आपको बताऊँगा मैं। जैसे ये जो आई लैशेज है ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो आप थिकनेस देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर से नहीं होता। ये कहाँ पे होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से ही होता है वो। और यहाँ पे भी जो है ना, ये अंदर की तरफ से नहीं, ये जो आपने जो थिकनेस देते हो ना, थिकनेस ये होता है। थोड़ा मैं कभी डिटेल में आप लोग को बताऊँगा मैं, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो है ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाले पार्ट में ये दोनों निकलता है। और इसको कैसे बनाते हैं, देखो ये होता कैसे है। अभी हम रेड ले लूँगा तो पता चले। अब ये ऐसे होता है, थोड़ा कर्व में होता है ना, तो हमें लगता है कि ऊपर से है, जबकि ऊपर से नहीं होता। ये यहाँ से कुछ ऐसे होता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ही होता है, और यहाँ पे भी आपको ये ऊपर से होता है। तो ऐसा लगता है कि हमें इसके अंदर से, आई के अंदर से ये नहीं आता है, ये कुछ ऐसे आता है, ऊपर की तरफ से आता है। तो इसको आप बेसिक है वो बहुत समझ लीजिए, और बाकी लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा मुझे लगता है। अभी राखी सक्सेना का वर्क देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी तो रिव्यू हो ही रहा है, जितने भी मैंने बनाए हैं, और बहुत जल्दी ही मैं आपका करने वाला हूँ। पलक आपका भी वर्क रिव्यू ज़रूर होने वाला, और मैं आपको रिव्यू कर ही देता हूँ वैसे। तो यहाँ पे जो आप वर्क देख रहे हो ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ही ब्लेंड कर देना पड़ेगा। ब्लेंड कैसे करना पड़ेगा आपको, आपको यूज़ करना पड़ेगा टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए, वो ब्लेंड अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हर्षित का वर्क अच्छा है। इसमें ना आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रास्ट किस तरफ का होना चाहिए, जैसे ये कहीं कहीं पे ना, ये ग्लास है ना, तो आपको ये थोड़ा शेडो में जाएगा, ये सब जो है, इनफैक्ट कहीं कहीं तो ज़्यादा ही जाएगा। जिस तरह के ग्लास है ना, उस तरीके से ये डार्क ज़्यादा दिखते हैं ये। और इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा ऐड वाइट, थोड़ा रिफ्लेक्टिव होता है, तो ये मैंने कर लिया वाइट। और ऐसे कुछ आप ऐसे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं ये। बाकी फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, एज का मैं आपकी, वैसे फीचर्स की बात की जाए तो ये कुछ करेक्ट होना चाहिए। शेप्स, एटलीस्ट शेप जो होता है ना, वो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। ये जो देखो, ये सब, और इसके ऊपर से फिर आपको जो भी आप आईब्रोज वगैरह बनाओगे, ये सब जो है ये होनी चाहिए। और बाकी आप इसको थोड़ा ब्लेंड कीजिए, ब्लेंड टिश्यू पेपर से आप कर सकते हैं इसको। भुवन संतोष, क्या बात है, आपने बनाया अच्छा है, इनफैक्ट आईज वगैरह अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोज़ बनाया ना, नोज़ का अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट है, ये आपका कुछ अलाइनमेंट होना चाहिए। तो ये जो मैंने अलाइनमेंट लिया, अभी लिप्स अच्छे हैं, आईज अच्छे आ रहे हैं, बस नोज़ जो है ना, नोज़ में इशू हो रहा है। नोज़ ना ये है, कुछ ऐसे आना चाहिए था ये जो है, ये नोज को कुछ आपको थोड़ा ये सेंटर में लाना है, इस सेंटर में। तो ये करना है आपको, आउटलाइन थोड़ा और परफेक्ट कीजिए। तो आज का हमारा रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी के जो वर्क हैं वो भी हम रिव्यू करेंगे
और करते ही जाएंगे। तो आप अपने वर्क जो है शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।